आंसू पहुंच, आंसू पहुंच, पहुंचना नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। राधे राधे अम्मा जी। राधे राधे, राधे राधे। अरे विशाखा कैसी हो, वापस कब आई? आज ही आई, हमने बुलाई लिया उको। क्या है कि उके बिना हमारा मन ही ना लग रहा था। वो तो ठीक है अम्मा, पर मुझे तो लगता है कि इसको मुंबई की हवा रास आ गई है। देखो सेहत भी पहले से कितनी अच्छी हो गई है इसकी, और पहले से मुटिया भी गई है, चेहरे पर चमक भी आ गई है। नजर ना लगायो, नजर ना लगायो हमारी पोती को। कहा है मुंबई माँ तो इसकी सेहत गिर गई थी, बस अभी आ गई है, अब मुटाएंगी को यहाँ। अच्छा राधे राधे। देख लियो, देख लियो, कछु ना हुआ है, जल्दी कछु ना कियो ना तो पता नहीं का होवे को। आज मुझे किस्मत। अम्मा मैं हमेशा से यही सोचती थी कि किस्मत मेरी अच्छी है और राधिका की खराब। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। मृणालिनी ये लो। ये क्या? प्रसाद है। कौन सा प्रसाद? देव सही सलामत घर वापस आ रहा है ना, तो राधिका की पूजा का प्रसाद है, लो। कंग्रेचुलेशंस, लेकिन ऐसे तो मुझसे तो दूर ही रखो। ले लो मृणाली। कितना प्यार है दोनों में, देव ने अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। तो आज तक सब कुछ देव ही तो करता है राधिका के लिए, राधिका ने किया क्या देव के लिए? ऐसी बात नहीं है मृणाली, राधिका एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी होने की जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह समझती है, वरना वो आज ही नहीं ऐसी हालत में वो कल भी बृहस्पति पूजा में इतने गहने इतने कपड़े पहनकर अपनी तबीयत को और खराब क्यों करती? So, what's the big deal? I mean, ये पूजा रखी भी तो उसी के लिए गई, और वैसे मेरे लिए तो ये सब रस्में हुई नहीं थी ना। शायद तुम भूल रही हो मृणाली, जब तुम नई बहू बनकर इस घर में आई थी तब तुम्हारे लिए भी बृहस्पति की पूजा रखी गई थी, पर तब तुम्हें पुरोहित खानदान के गहने आउट ऑफ स्टाइल और पूजा के वस्त्र बहुत ही डाउन मार्केट लगे थे। और देख लो, पूजा ना करने का हमें क्या फल मिला। कहना चाहते हो कि हमारा कोई बच्चा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उस पूजा में नहीं बैठी? फिर मैं तुम्हें समझाऊंगी दी कि हमारा कोई बच्चा इसलिए नहीं है क्योंकि शादी के कुछ ही दिनों बाद तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम इस व्हीलचेयर के मोहताज बन गए थे। तुम्हारी वजह से मुझे इस घर में कभी भी इज्जत नहीं मिली जो आज राधिका को मिल रही है। इज्जत भीख में नहीं मिलती मृणाली, इज्जत कमाई जाती है। जो सम्मान राधिका को इस घर में मिल रहा है वो उसका हक है। यही फर्क है तुम दोनों में मृणाली। वो इस हालत में नहीं थी कि पूजा में बैठ सके, तब भी वो पूजा के लिए आई, और तुमने अच्छी भली होते हुए भी पूजा का अपमान किया था। और तुम देखना, बहुत जल्द वो दोनों इस घर को एक वारिस देंगे। अब उनकी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी, किसी की भी नहीं। छोटी बहू, तुम शगुन के लिए दूध उबाल लो
मैं उर्मी और चंद्री को भेज देती हूँ मदद के लिए। दादी माँ, अगर नौकरों की ही मदद लेनी है तो फिर ये पहली रसोई का नाटक क्यों? हालात कुछ अलग हैं इसीलिए। पर रस्म तो पहली रसोई की ही है ना दादी माँ? दीदी ठीक कह रही हैं दादी माँ, मैं रसोई का काम अकेले कर लूंगी। यहाँ कोई पहली रसोई नहीं होगी। मैंने तुमसे कहा था ना राधिका, आज मेरी पहली रसोई है, ये मेरा बहु धर्म है, मुझे निभाने दीजिए ना। पति की बात मानना भी तुम्हारा ही धर्म है। चलो, तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं आपकी पत्नी हूँ और इस घर की छोटी बहू भी हूँ। इस परिवार का भी उतना ही हक है मुझ पर जितना कि आपका। इस घर की छोटी बहू से सबको बहुत उम्मीदें हैं। मैं अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकती। कर लेने देना बेटा ये रस्म। लो, अब तो हो चुकी पहली रसोई। हम सब चलते हैं, छोटी बहू को काम निपटाने देते हैं, अब कर ही रही है तो चलते हैं। व्हाट? आप रुक गई ना? जी जी, इसलिए। ठीक है। राधिका, एक एडवाइस देनी थी। कल जिसे मंदिर में अपशकुन कर दिया था ना, आज यहाँ रसोई में मत करना। दूध वगैरह के बर्तन जरा संभाल के उठाना, ठीक है? इसलिए तुम्हें आराम करने के लिए कह रहा था। अब बस भी कर दे, खीर गिरी तो नहीं ना, कोई अपशकुन नहीं हुआ। छोटी बहू, छोटी बहू यहाँ। ये तुम्हारी पहली रसोई की नेक, बहुत अच्छी खीर बनी। पैर छूने की जरूरत नहीं है राधिका, नेग ऐसे ही दे दूंगी।
अब आप तराजू में बैठ जाइए। अब आप वस्तु रखो। माधव, दान की तैयारी करो। राधिका, दादी माँ, कुछ काम अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने गई थी। छोटी बहू, शुभ मुहूर्त रहते ही निकल जाना ठीक होगा। जी। कैसी है बिटिया तू? तेरी तेरी तबीयत तो ठीक रहती है ना? मुझे पता है बिटिया, देव बाबू तो तेरा बहुत ध्यान रखते होंगे, पर बाकी लोग और तेरी जेठानी वो? तनिक सांस तो ले लीजिए देवकी जी, सारे प्रश्न एक साथ ही कर लेगी। मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं, समस्त परिवार आपकी बिटिया को हाथों हाथ रखता है, तुला दान हुआ है इसका। और विदाई करते समय सारा परिवार ऐसे रो रहा था जैसे जैसे अपनी बहू को नहीं घर की बिटिया को विदा कर रहे। चल बिटिया, मैं तेरा मुंह मीठा कराती हूं। आ बिटिया। बस माँ। अरे थोड़ा तो और खा, अभी खाने की इच्छा नहीं है।
विशाखा कहाँ है? वो चली गई है। अरे देवकी जी, मुझे तो स्मरण ही नहीं रहा। जो कुछ रीतियां करनी हो आजकल में ही कर लीजिएगा। 2 दिन बाद देव बाबू आ जाएंगे इसे लिवाने। राधे राधे। चोर उचक्का लगे। जी सुनिए, आप इस शहर की काफी पुरानी लगती हैं, तो मेरे को एक चीज बताइए। भक्तवन लल्ला, तेरा कल्याण होगा। तरीको है तो जो नहीं देना था तो मना कर देते। धर्म के शहर में ऐसा अधर्म हरकत। ठीक है सॉरी, मैं जो आपसे पूछ रहा हूं मुझे बताइए, यहाँ पे कितने शास्त्री जी हैं? हा? अरे एक तो यहाँ शास्त्री जी हैं जो कि कान्हा मंदिर के पास रहते हैं, पर उनके यहाँ कोई लड़की नहीं है विशाखा। तो कोई ऐसे और शास्त्री जी हैं जिनकी लड़की हो, उसका नाम विशाखा है। का है? तो को का काम है? अरे आपको उससे मतलब? आप बताइए विशाखा को जानती हैं कि नहीं? ना, मोको कछु ना पता है। हम कछु ना जानत हैं। तो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? थैंक यू। कहीं छोरा हो तो नहीं जिसका विशाखा इंतजार करे रही? ऐसा छोरा तो सहारा बन सकत है? ऐसा सहारे से तो जमुना जी में डूब मरना अच्छा है। इससे पहले कि ये छोरा विशाखा से मिले को कछु करी का चाहिए। तो को बहुत फिकर है ना विशाखा की? हाँ अम्मा, आप मुझे उसका नंबर दीजिए, मैं उससे बात करूंगी। विशाखा मुंबई में ना है, वृंदावन में, पूरब के घर। ये आप क्या कह रही हैं अम्मा? वही कह रही हैं जो सच है। लल्ला ने उसको ब्याह में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। ब्याह संपन्न होते ही का अतिथि है, चली जा। विशाखा ने बहुत मन्नत की लेकिन लल्ला ने एक ना सुनी। विशाखा के पास और कोई आसरा तो था नहीं, तो क्या करती, चली गई पूरब के यहां। नहीं अम्मा, बिटिया अब वही आस में है कि एक दिन लल्ला उसको घर में वापस बुलावेगो, लेकिन लल्ला समझ ही ना रहो है। बहुत भटक ली हुई यहाँ वहाँ, उसको अब एक जगह रह के घर बसाई का है। ये आपने अच्छा किया अम्मा, विशाखा एक बार घर वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी बाबूजी से बात करती हूँ। सीधे काई नहीं कहती कि तू अपनी बहन को घर वापस लाना ना चाहत है।
ये आप क्या कह रही है अम्मा? तो को का लगत है तू जाके लल्ला को ऐसन मनावेगी और वो मान जावेगो? उल्टा ऐसन कछु कह देगो कि आगे मनाना भी खटाई में पड़ जावेगो। तो फिर मैं क्या करूं अम्मा? लल्ला को मनावेगी कोई दूजी जुगत सोच। याद रखियो तूने मोको वचन दियो है कि तू विशाखा को वापस ही घर में लावेगी। बेचारे अपनी बेटियों के विवाह को लेकर अत्यंत चिंतित है, मेरा जाना आवश्यक है। बाबूजी। हाँ बेटा। मैं भी आपके साथ चलूं? मैं आपकी पूजा में मदद करूंगी तो पूजा जल्दी संपन्न हो जाएगी। ना ना बेटा, देव बाबू ने तुम्हें केवल विश्राम करने के लिए कहा है। बाबूजी। हाँ बेटा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अभी? जी। बेटा पूजा का मुहूर्त आरंभ होने वाला है और विलंब ऐसे ही हो चुका है। जी ठीक है। अच्छा बेटा मैं चलता हूँ। विशाखा तो से मिलना चाह रही। मुझे भी विशाखा से मिलना है अम्मा, पर कैसे? चाबी क्यों? विशाखा को बाहर से बंद करके रखो है। पर पूरब घर के अंदर ना जा सके इसलिए। वो मुझे लेने आने वाले हैं, उनके आने से पहले मुझे बाबूजी को मनाना होगा और विशाखा को घर वापस लाना होगा। जी विशाखा, राधिका मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो। विशाखा रुक, राधिका मुझे मर जाने दो, मुझे मर जाने दो राधिका। विशाखा नहीं, नहीं मुझे मर जाने दो। विशाखा रुक, नीचे उतर। नहीं नहीं, मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी राधिका। मैं बाबूजी से बात करूंगी, तू नीचे तो उतर। नहीं नहीं राधिका मुझे मर जाने दो। विशाखा देख मेरी बात सुन, नीचे उतर। विशाखा तुझे मेरी कसम है। नहीं राधिका मुझे मर जाने दो। जब मैं अपने घर में नहीं रह सकती तो इससे बड़ी शर्म की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? विशाखा मैं कोशिश कर रही हूँ ना, सिर्फ कोशिश से क्या होगा राधिका? तुम्हें तुम्हें जो कुछ भी करना है वो अभी करना है, मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अरे जब मैंने मुंबई जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दिया है और एक अच्छी बेटी की तरह अपने घर में रहना चाहती हूँ, उसमें बाबूजी को क्या परेशानी हो सकती है? उन्हें मुझे माफ करना ही होगा और ये माफी तुम मुझे दिलवाओगी, वो भी अभी, वरना मैं कुएं में कूद के जान दे दूंगी। नहीं विशाखा तू, मैं तुझे माफी दिलाऊंगी बाबूजी से, तू नीचे तो उतर। मगर कैसे राधिका? विशाखा पहले तू नीचे उतर। क्या समझाएगी तू बाबूजी को? हाँ राधिका बाबूजी कभी नहीं मानेंगे और तू बाबूजी को कभी कुछ समझा नहीं पाएगी। मुझे मर जाना होगा, मुझे मर जाने दो। विशाखा मुझे माफ कर दे विशाखा, हालात समझने की कोशिश कर। मैं बाबूजी को समझाने की कोशिश करूंगी, मुझे कुछ सोचने दे। नहीं राधिका बाबूजी कभी नहीं मानेंगे। मैं क्या करूं? मेरा मर जाना ही अच्छा है। हाँ मेरा मर जाना ही अच्छा है। विशाखा हाँ। तू मेरे साथ चल। कहाँ? तू चल मेरे साथ। ये बस ये क्या कर रही है तू? बस क्या? अपना चेहरा ढक कर रखियो, चल। अपना चेहरा पूरी तरह से ढकते।
चल। सदा सुखी रहो। इस आशीर्वाद के साथ मुझे एक और आशीर्वाद भी दे दीजिए बाबूजी। वो क्या बेटा? यही कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद और प्यार सदा मेरे साथ रहे। एक बेटी के लिए उसके माता पिता ही उसके भगवान होते हैं। अगर उनका प्यार और उनका आशीर्वाद उसके साथ ना हो तो जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ये आशीर्वाद तो सत्य में प्रत्येक पुत्री को मिलना चाहिए बेटा। तुम्हें सदा अपने माता पिता का प्रेम मिले और उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहे। ये लड़की अपने किए पर बहुत दुखी है बाबूजी, पर डरती है कहीं उसे क्षमा मिलेगी या नहीं। बेटा, पवित्र मन से क्षमा याचना करने से वो क्षमा कभी अस्वीकार नहीं होती। प्रभु बड़े दयालु हैं। चिंता ना करो बेटा, तुमसे जो भी अपराध हुआ है उसकी क्षमा तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी। बाबूजी, मैं आपसे सच्चे मन से माफी मांगती हूँ, आप मुझे माफ कर दीजिए। धोखा देने का, छल करने का तुम्हारा स्वभाव अभी तक परिवर्तित नहीं हुआ। नहीं बाबूजी, इसने कोई धोखा नहीं दिया है। मैं यहाँ इसे लेकर आई हूँ। ये बहुत उम्मीद लेकर यहाँ आई है बाबूजी। परंतु क्यों आई है यहाँ? इसे तो अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार है, जहां चाहे जा सकती है। बाबूजी, ये घर वापस आना चाहती है, अपने घर, अपने माँ बाबूजी के पास। आप उसके मुंबई जाने से नाराज थे ना, देखिए अब वो मुंबई भी नहीं जा रही है। आपने इसे आशीर्वाद दिया था ना कि इसके माता पिता का आशीर्वाद सदा इस पे बना रहेगा और इसे क्षमा भी मिल जाएगी, तो फिर आप पीछे क्यों हट रहे हैं बाबूजी? आपका आशीर्वाद झूठा नहीं हो सकता। ऐसी बिहारी जी की इच्छा, मैं आशीर्वाद दे चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण कोई अपने जीवन का अंत करे। मैं विशाखा को घर में रहने की अनुमति देता हूं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।